चलिए दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे है और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जापानीज करेंसी यानी येन येन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहले देखते हैं कि जापानीज करेंसी यानी येन है क्या। द कॉन्सेप्ट ऑफ येन जापानीज गवर्नमेंट मेजीजी से आया था। उनकी एक प्रोग्राम था जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ऑफ जापानीज इकोनॉमी, एक योजना जिसका नाम था द न्यू करेंसी एक्ट ऑफ 1871 के दौरान येन का क्रिएट हुआ था। उस समय में येन 1.5 ग्राम यानी 0.048 ट्रॉई आउंसेस ऑफ गोल्ड और 24.26 ग्राम यानी 0.780 ट्रॉई आउंसेस ऑफ सिल्वर के बराबर था। उस समय में जापान के हान उसका प्रशासक बन गए और यान दबने लग गए। जापान के इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए 1882 में बैंक ऑफ जापान फाउंड किया गया था। उसके बाद वर्ल्ड वार टू में येन का वैल्यू बहुत कम हो गया था। 1973 में जापानीज गवर्नमेंट एक पॉलिसी ऑफ करेंसी इंटरवेंशन किए थे। उस समय में येन डार्टी फ्लोट ब्रिज में जापानीज गवर्नमेंट अभी कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 1985 में $1 इज इक्वल टू 239 येन, फिर 1988 में $1 इज इक्वल टू 128 येन और 1995 में $1 इज इक्वल टू 80 येन के बराबर हुआ था और जापान के GDP में भी इंक्रीज हुआ। अभी के डेट में एक $1 के वैल्यू 111.235 येन है। अभी 1 Indian rupee इज इक्वल टू 1.59 जापानीज येन के बराबर है। यानी इंडिया के इकोनॉमी जापान इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा है और बहुत सक्सेस भी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबा देना, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक भी जरूर करना, इसमें कोई बात नहीं। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।